प्रियंका है और आज हम बनाने जा रहे हैं थ्री इंग्रेडिएंट्स कुकीज। इसको बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता और ये बहुत ही कम चीज़ों में बन जाती हैं। आपके घर में ये चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल रहती हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है वन टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे बटर लिया है। ये बटर मैंने मेल्ट कर लिया है और वन कैन में यहाँ पे लूँगी कंडेंस मिक्स। ये आप देख सक रहे होंगे ये कैन मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। और अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ये फ्लोर यूज़ करेंगे। ये मैंने मैदा यूज़ किया है, आप इसकी जगह आटा भी यूज़ कर सकते हैं। और आप इसको थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें जो है कंबाइन कीजिए ताकि इसमें जितनी ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करेंगे और थोड़ा थोड़ा ये बहुत ईजिली हो भी जाएगा। देखिए मैंने इसका एक डब बना लिया है टाइट सा और इसको गूंदने में करीब मुझे 2 कप के करीब मैदा यूज़ किया है मैंने इसमें। और अब हम इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे और अपने ओवन को 350 डिग्री पे ऑन करके छोड़ देंगे उसको हीट होने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हाफ एन आवर हो गया है और मैंने इसको फ्रिज से बाहर निकाल दिया है। यहाँ पर मैंने एक बेकिंग ट्रे ले ली है और अब हम हाथ से हमें जिस भी साइज़ की कुकीज़ चाहिए होगी वो साइज़ हम हाथ से इस तरीके से लेंगे। और ये देखिए इस तरीके से मैं इस पर रखती जाऊंगी। दूसरा भी हम इसी तरीके से हम सारे करेंगे। देखिए मैंने सारे ये बिस्किट इस तरीके से बना लिया। अब हम इनको डेकोरेट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। मैंने यहाँ पे ये बच्चों के जो चेरीज होती हैं ये ले ली हैं मैंने और इनको इस तरीके से ये देखिए मैंने इस तरीके से इसको स्प्रिंकल कर दिया है। और अब हम इसको बेक होने के लिए रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। ये देखिए हमारे बिस्किट बनके रेडी हैं और आप इन्हें गर्मा गर्म चाय के साथ एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद है माय चैनल एंड बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।